पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक आंदोलन चला था जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म, जिसे हम हिंदी में स्वच्छंदतावाद के नाम से जानते हैं। उसके प्रसिद्ध कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, किट्स, टेनिसन इत्यादि। तो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा के संबंध में क्या विचार है, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि के रूप में सुविख्यात हैं। आधुनिक काल के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की भांति वर्ड्सवर्थ ने भी प्रकृति निरीक्षण से कविता की ओर अपने झुकाव को व्यक्त किया है। 20 वर्ष की अवस्था में वर्ड्सवर्थ ने पैदल ही फ्रांस, इटली और अल्पस पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन किया और इस सौंदर्य को अपनी काव्य वस्तु बनाया। विद्वानों का एक वर्ग यह भी मानता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने वर्ड्सवर्थ की आलोचना को प्रभावित किया है। तो जैसे आप जानते हैं कि हिंदी में जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत है, जिन्हें हम प्रकृति का चितेरा कवि कहते हैं, उसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ को भी अंग्रेजी में नेचर पोएट कहा जाता है। तो इन्होंने विभिन्न राष्ट्रों में घूम घूम कर वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है, पर्वतों की सुंदरता है, प्राकृतिक दृश्य है, उनका अवलोकन किया, उनका गहन निरीक्षण किया और प्रकृति की ओर अपनी झुकाव के कारण वे काव्य रचना की ओर संलग्न हुए, उन्मुख हुए। लेकिन वास्तव में वे एक कवि हैं, आलोचक नहीं है। लेकिन उनकी जो थोड़ी बहुत जो उन्होंने आलोचनाएं जो लिखी हैं, जो निबंध लिखे हैं, उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुई थी और जिसका नारा क्या था, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो इस फ्रांस की राज्य क्रांति का इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, अर्थात रोमांटिसिज्म पर इसका प्रभाव पड़ा और इसने इनकी आलोचना को भी प्रभावित किया। सन 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ एक अन्य कवि कॉलरिज के संपर्क में आए और दोनों ने मिलकर ऐसी नवीन रचनाएं प्रस्तुत की जो तत्कालीन युग की मांग थी। इनके एक मित्र थे कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज इनके एक मित्र थे। उनके साथ मिलकर इन्होंने कुछ नवीन रचनाएं प्रस्तुत की, कुछ नवीन रचनाएं लिखी जो कि उस समय की मांग थी। तो इन दोनों की रचनाओं का संकलन लिरिकल बैलेट्स नामक संग्रह में 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर जो कविता संग्रह प्रकाशित किया उसका नाम था लिरिकल बैलेट्स और यह प्रकाशित हुआ था 1798 ईस्वी में। इस संकलन की भूमिका एडवर्टीजमेंट नाम से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो इसकी जो प्रस्तावना थी, इसकी जो भूमिका थी, उसका विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा और उसका नाम रखा एडवर्टीजमेंट, जिससे उसमें कॉलरिज पूर्ण रूप से सहमत थे क्योंकि यह इन दोनों का संयुक्त प्रयास था। तो इसकी भूमिका से जो उनके मित्र थे कॉलरिज, उसमें तो प्रभावित सहमत थे। इस भूमिका में, इस संग्रह में संकलित कविताओं की विषय वस्तु और काव्य भाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था, जिसकी तीखी आलोचना नव अभिजात्यवादी आलोचकों ने की। तो इस कविता संग्रह की जो भूमिका थी एडवर्टीजमेंट नाम से, उसमें क्या बताया गया था कि कविता की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए और कविता की भाषा क्या होनी चाहिए। तो उस समय एक अन्य आंदोलन इनके पहले चल रहा था, उसका नाम था नव अभिजात्यवाद, नीवो क्लासिसिज्म जिसको बोलते हैं नव अभिजात्यवाद। और इस इन लोगों का मानना था, नव अभिजात्यवादियों का, कि जो कविता की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है, यह समाज के अभिजात्य वर्ग और पढ़े लिखे व्यक्तियों की भाषा होती है, आम व्यक्तियों की भाषा नहीं होती है। इसलिए नव अभिजात्यवादी जिस भाषा का प्रयोग करते थे काव्य में, वह बहुत ही प्राकृतिक और बनावटी और जटिल भाषा थी जो आम लोगों के समझ में नहीं आती थी, आम लोगों के लिए बहुत ही कठिन थी। इनका यह मानना था जो कि कविता की जो भाषा होती है वह आम बोलचाल की भाषा से, साधारण लोगों की भाषा से बिल्कुल ही अलग होती है क्योंकि यह अभिजात्य वर्ग की भाषा होती है। इसलिए इनकी कविताओं में आडंबर, बनावटीपन और कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए लिरिकल बैलेट की जो भूमिका थी एडवर्टीजमेंट, इसकी नियो क्लासिसिज्म वालों ने, अभिजात्यवादियों ने आलोचना की और इसी
नव अभिजातवादियों की जो इनका जो इनके कारण जो कविता में कृत्रिमता आ गई थी, बनावटीपन आ गई थी, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये रोमांटिसिज्म ने जन्म लिया था, स्वच्छंदतावाद ने जन्म लिया था। सन 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स नाम से जोड़ी, जिसमें उन्होंने अपने आलोचकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों शंकाओं का सटीक उत्तर दिया। तो इसका जो दूसरा संस्करण था वह 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुआ लिरिकल बैलेट्स का, और इसकी भूमिका इन्होंने लिखी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो इनके जो आलोचक थे, जो प्रायः नव अभिजातवादी थे, नियो क्लासिसिज्मवादी थे, तो इन्होंने जो इनकी आलोचना की थी, जो प्रश्न या शंका उठाए थे, तो इसका उन्होंने उत्तर दिया। अगले संस्करण में पुनः इस भूमिका में कुछ और जोड़ा गया। इस प्रकार सन 1815 ईस्वी तक उक्त संकलन के 4 संस्करण प्रकाशित हुए, मतलब सन 1815 तक 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके थे, और जितने भी नए संस्करण आए उसमें उन्होंने कुछ न कुछ नई बात बताई काव्य भाषा के संबंध में। यद्यपि वर्ड्सवर्थ द्वारा काव्य वस्तु एवं काव्य भाषा, काव्य वस्तु मतलब कंटेंट, थीम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए कविता की, इसे कहते हैं काव्य वस्तु, कंटेंट ऑफ द पोएट्री, और काव्य भाषा मतलब डिक्शन, लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री। तो काव्य वस्तु एवं काव्य भाषा पर व्यक्त किए गए विचारों से जो उनके मित्र कॉलरिज हैं प्रारंभ में पूर्ण रूप से सहमत थे, किंतु कालांतर में उन्होंने 1857 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किया। प्रारंभ में तो वह वर्ड्सवर्थ से सहमत थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी स्वतंत्र कृति प्रकाशित की बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनकी किताब थी कॉलरिज की, जो 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किया। यह आपको पूरी पृष्ठभूमि लिखना पड़ेगा उत्तर में, इसलिए बता रहा हूं। भले ही कॉलरिज एवं अन्य आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों से असहमति व्यक्त की हो, किंतु अंग्रेजी समीक्षा में वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पंत जी ने पल्लव की जो भूमिका लिखी थी, जिसे छायावाद, छायावाद को स्थापित करने के लिए उन्होंने पल्लव की भूमिका लिखी थी, और पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो जिस प्रकार पंत की पल्लव की जो भूमिका है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में, उसी प्रकार लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने जो भूमिका लिखी थी उसका भी अत्यंत पूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है, भले ही उनके आलोचकों ने उनसे असहमति व्यक्त की है। वस्तुतः इस भूमिका ने काव्य की विषय वस्तु एवं काव्य भाषा पर जो विचार व्यक्त किए वे सर्वथा नवीन एवं मौलिक थे, तथा इन विचारों ने परंपरागत आधार को धक्का पहुंचाया था। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य की जो विषय वस्तु है या काव्य की जो भाषा है उसके संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए थे वे पूरी तरह से मौलिक थे, उनके अपने निजी विचार थे और पूरी तरह से नए विचार थे, जिसके कारण जो नव अभिजातवादी थे या फिर जो उनके आलोचक थे तो उनके दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से भिन्न था, इसलिए उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई थी। वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या बताया था, कवि उन्होंने कवि, कविता, काव्य की विषय वस्तु, काव्य प्रयोजन, काव्य भाषा पर विस्तृत विवेचन करते हुए नवीन विचार प्रस्तुत किए। इन सभी बातों पर उन्होंने नए विचार प्रस्तुत किए, इनमें से काव्य भाषा पर व्यक्त उनके विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम काव्य भाषा के संबंध में पढ़ने वाले हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इनमें से काव्य भाषा पर व्यक्त उनके विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इन विचारों को हम निम्न बिंदुओं में भली भांति समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा के संबंध में क्या विचार है, जिसे अंग्रेजी में डिक्शन कहा जाता था, लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री। वर्ड्सवर्थ ने परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का तीव्र विरोध किया। आधुनिक काल में जिस प्रकार टीएस इलियट एवं एजरा पाउंट ने काव्य में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया, वैसे ही वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए स्वाभाविक एवं प्रकृत, प्रकृत मतलब होता है सहज सरल साधारण भाषा का जोरदार समर्थन किया। तो विलियम वर्ड्स ने काव्य की भाषा और काव्य शैली, जो पहले से जो परंपरा चली आ रही थी जिसमें आडंबर था, बनावटीपन था, कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसका उन्होंने तीव्र विरोध किया। और जिस प्रकार टीएस इलियट एवं एजरा पाउंड नाम के उनके जो समकालीन विद्वान थे उनका विचार था कि काव्य की भाषा बहुत ही सहज सरल और साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, इसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इस बात का समर्थन किया जो कविता की भाषा है वह सहज सरल साधारण प्रकृत होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो आम जनता की जो भाषा है
वही काव्य की भाषा होनी चाहिए जिससे वह उस काव्य को भली भांति समझ सके। तो यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ कृत्रिमता के स्थान पर सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं। उनका कहना था कि कविता कृत्रिम नहीं लगनी चाहिए। कविता को पढ़ने पर आपको बार बार डिक्शनरी देखने की जरूरत है, शब्दकोश देखने की जरूरत पड़ रही है, तो वह भाषा कृत्रिम है। वह कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वही काव्य की शैली की सुंदरता है, उसकी स्टाइल की सुंदरता है। उन्होंने कृत्रिम भाषा को त्याग कर सरल भाषा पर बल दिया। उनसे पूर्व कवियों ने भाषा को अस्वाभाविक, बोझिल, आडंबर पूर्ण एवं कृत्रिम बना दिया था, जिसका पुरजोर विरोध वर्ड्सवर्थ ने किया। उनके पहले नव अभिजात्यवादी समय में, नियो क्लासिसिज्म के समय में जो कविता लिखी जा रही थी उसकी भाषा अत्यंत जटिल होती थी, कठिन होती थी, क्योंकि वह समाज के जो एलिट क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, जो पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, उनकी भाषा होती थी, जो सहज बोलचाल की भाषा से अलग होती थी, कृत्रिम होती थी, बनावटीपन से युक्त होती थी। इसीलिए इस कृत्रिम भाषा को त्याग कर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाषा का इसका विरोध किया और उन्होंने सहज और सरल भाषा का समर्थन किया। तीसरा, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की विषय वस्तु के लिए जिस प्रकार ग्रामीण जीवन का समर्थन किया, उसी प्रकार ग्रामीण जीवन की दैनिक बोलचाल की भाषा का काव्य में प्रयोग करने का समर्थन किया। जैसे आपने फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास पढ़ा होगा महिला आंचल, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। उसके पहले भी कुछ देहाती दुनिया करके प्रकाशित हुई थी, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली फणीश्वरनाथ रेणु को, क्योंकि उन्होंने आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया है। तो वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना क्या था कि कविता की, उन्होंने उनका कहना था कि कविता का विषय वस्तु, जहां से हम सब्जेक्ट उठाते हैं, कंटेंट लेते हैं, तो वह कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर कहां से लिया जाना चाहिए? ग्रामीण जनजीवन से लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार ग्रामीण अपनी कविता में ग्रामीण जीवन के जो दैनिक बोलचाल के शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो उनका मानना यह था कि ना केवल कविता की विषय वस्तु ग्रामीण होनी चाहिए, बल्कि जो कविता की भाषा है वह भी ग्रामीण जनजीवन में प्रचलित दैनिक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था जो ग्राम्य जीवन होता है, जो ग्रामीण जीवन होता है, बहुत ही सहज सरल ऐसा होता है ना, सहज सरल और कृत्रिमता से मुक्त होता है। जैसे आपने सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पढ़ी होगी, धूल भरा मैला सा आंचल, तो पंत जी की यह कविता देखिएगा, ग्रामीण जीवन के उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। उनकी मान्यता है कि ग्रामीणों की अभिव्यक्ति सरल, अकृत्रिम एवं स्वच्छंद होती है। इनकी वाणी में सच्चाई तथा भाव में सरलता होती है, अतः इसी भाषा को काव्य में प्रयुक्त करना चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का यह मानना था जो ग्रामीण जीवन होता है, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, बहुत ही सहज और सरल होते हैं, अकृत्रिम होते हैं, उनका जीवन स्वच्छंद होता है, क्योंकि वह प्रकृति के पास में रहते हैं, और उनकी वाणी में, उनकी बोली में क्या होती है, सच्चाई होती है, भावों में सरलता रहती है, अतः इसी भाषा को काव्य में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। चौथी बात क्या बोली उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की। उनकी यह मान्यता भाषा संबंधी अतिवादिता, अमर्यादित अथवा वाचालता का परिचय देती है, क्योंकि गद्य और पद्य का अंतर केवल छंद के कारण ही नहीं होता, अपितु वाक्य विन्यास, पद चयन, अलंकारता आदि के कारण भी होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का यह मानना था कि कविता की भाषा और गद्य की भाषा, मतलब गद्य की भाषा और पद्य की भाषा दोनों एक जैसी होनी चाहिए। तो वास्तव में बहुत सारे लोग इससे असहमत थे। इसका कारण यह है कि जो पद्य है उसका वाक्य विन्यास अलग तरीके से होता है, उसमें हम रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो जो कविता की भाषा होती है वह गद्य की भाषा से पूरी तरह से या थोड़ी बहुत अलग ही होती है ना। उनका वाक्य विन्यास है, शब्दों को हमको कैसे जमाना है कविता में, पद चयन, किन शब्दों का प्रयोग करना है उनमें, किन अलंकारों का प्रयोग करना है। तो वास्तव में क्या है, थोड़ा अतिवादी हो गए थे, मतलब इन्होंने जरूरत से ज्यादा इस बात पर बल दे दिया कि गद्य और काव्य की भाषा बिल्कुल, गद्य और पद्य की भाषा बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो अधिकांश लोग इससे असहमत थे उस समय। पांचवा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को किस प्रकार परिभाषित किया है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह वे मानते हैं कविता को। प्रबल भावों की भाषा स्वतः ही भव्य, सजीव एवं चित्रात्मक होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो कविता है, जो हमारे मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं, जो हमारे मन में जो तीव्र भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, तो हमारी कलम स्वतः ही चलने लगती है, हम कविता लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मतलब बहुत ही स्वच्छंद रूप से, जैसे नदी प्रवाहित होती है,
उसी तरह जब कवि के मन में जब बहुत तीव्र फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, बहुत तेज फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से कविता लिखना शुरू कर देता है। और जब कविता के जब उसके मन में इतनी तीव्र जब उसके मन में तीव्र भावावेग आएगा, है ना, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग उसके मन में आएंगे, तो वह स्वतः ही लिखने लगेगा। तो उस समय कवि इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वह सरल भाषा का प्रयोग कर रहा है कि कठिन भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि कवि यदि बहुत पढ़ा लिखा है तो उसी प्रकार की भाषा स्वतः रूप से वह लिखना, जिस प्रकार के परिवेश से आया है, जैसा उसका शब्द ज्ञान है, तो वैसे ही वह लिखना चालू कर देगा। और जो प्रबल भाव है, जो स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनकी जो भाषा होती है वह स्वाभाविक रूप से कैसी होती है, भव्य होती है, सजीव होती है, चित्रात्मक होती है, उससे हमारे मन में बिंब का निर्माण होता है। और छठा वर्ड्सवर्थ क्या कहना है, वर्ड्सवर्थ की धारणा थी कि कृत्रिम भाषा निम्न श्रेणी के कवियों की देन है। जब कवि वास्तविक घटनाओं से उद्बुद्ध मतलब जागृत भावों को काव्य में निबद्ध या संजोता या गुथना गुथता है करता है निबद्ध करता है भावों को कविता में, तब भावों की प्रबलता के कारण भाषा सहज रूप में प्रभावी और अलंकृत होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का यह मानना है, जो कवि बहुत ज्यादा यह दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वे बहुत ही अपनी कविता में कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम जनजीवन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वह यह दिखाना चाहता है कि मैं प्रबुद्ध वर्ग से आता हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, तो यह लोकप्रियता के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए इनकी भाषा क्या होती है, निम्न होती है। लेकिन इनका यह मानना है कि जब आपकी भावनाएं वास्तविक जनजीवन से संबंध होगी और आपके मन में प्रबल भावावेग होंगे, स्ट्रांग इमोशंस आएंगे, और उनको उसके आधार पर जब आप कविता लिखते हैं, तब भावों की प्रबलता के कारण आपकी भाषा क्या होगी, सहज रूप से प्रभावी हो जाती है, अलंकृत हो जाती है। उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि निम्न श्रेणी के कवि करते थे, विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सातवां, जब कोई कवि यश की कामना से काव्य रचना करता है, जब वह फेमस होना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, तब उसकी भाषा में क्या आ जाती है, आडंबर, कृत्रिमता, समास, अलंकार, जटिलता, उक्ति वैचित्र, उक्ति वैचित्र मतलब भांति भांति के शब्दों और अभिव्यक्ति का प्रयोग करना, अभिव्यक्ति का चमत्कार कि लोग चमत्कृत हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, आदि का समावेश होता है। यह भाषा सहज नहीं होती, अतः काव्य के लिए इसे वर्ड्सवर्थ अनुपयुक्त बताते हैं। मतलब यदि कोई कविता बहुत फेमस होने के लिए, यश की कामना से प्रसिद्ध होने के लिए कविता की रचना करता है, तब उसकी भाषा आडंबर, जटिलता और कृत्रिमता से युक्त हो जाती है, समास से, अलंकारों से युक्त हो जाती है, और यह भाषा सहज नहीं होती, साधारण नहीं होती, यह कृत्रिम हो जाती है, बनावटीपन इसमें आ जाता है, अतः इसे वर्ड्सवर्थ काव्य के लिए अनुपयुक्त बताते हैं। वर्ड्सवर्थ यद्यपि छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते, तथापि छंद की महत्ता एवं शक्ति को स्वीकार करते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि बिना छंद के भी आप कविता लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये छंद की महत्ता को अस्वीकार नहीं करते। मतलब इनका कहना है कि ठीक है, छंद हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन बिना छंद के आप नहीं लिख सकते, ऐसी बात भी नहीं है। उनके विचार से छंद युक्त होने पर कविता सम, संतुलित एवं आनंदप्रद बन जाती है। छंद विषय के उपयुक्त होना चाहिए ताकि तभी प्रभावी कविता बनती है। मतलब उनका कहना है कि यदि हम छंद का प्रयोग करते हैं तब हमारी कविता थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाती है, सरस हो जाती है। लेकिन छंद कैसा होना चाहिए, जो हमारा विषय है, जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, उसके अनुसार ही हमको छंद को प्रयोग करना है, तभी हमारी कविता क्या होगी, प्रभावी होगी। अब देखिए वर्ड्सवर्थ के भाषा संबंधी विचारों का उस समय जो न्यू क्लासिसिज्म वाले थे, नव अभिजात्यवादी, उन्होंने उसका उल्लेख किया, विरोध किया, क्योंकि जो नव अभिजात्यवाद है, न्यू क्लासिसिज्म है, वो क्या है, कृत्रिम बनावटीपन से युक्त भाषा को महत्व देता था। मतलब वह जो समाज के अभिजात्य वर्ग में जो प्रचलित भाषा है, जो पढ़े लिखे लोगों में जो भाषा है, उसका वो लोग सपोर्ट करते थे। तो ये जो कॉलरिज है, कॉलरिज ने अपने ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की विचारधारा की आलोचना करते हुए जो तर्क दिए वे इस प्रकार है। तो यह इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखकर बैलेट्स लिखा था शुरू में, लेकिन शुरुआत में कॉलरिज उनकी काव्य भाषा संबंधी विचारों से शुरू में तो सहमत थे, लेकिन बाद में इनकी विचारधारा अलग हो गई। और जब इन्होंने अपनी एक आलोचना कृति लिखी कॉलरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ की विचारधारा का आलोचना किया। तो देखते हैं वे क्या क्या बोलते हैं कॉलरिज, इसको भी आपको परीक्षा में लिखना है ना। कॉलरिज के अनुसार ग्रामीण भाषा के शब्दावली अपर्याप्त और काम चलाव होती है, और उसमें काव्य की गहन, सूक्ष्म एवं विविध अनुभूतियों का व्यक्त कर सकने की क्षमता नहीं होती। तो कॉलरिज का यह मानना है कि जो ग्रामीण बोलचाल की जो भाषा होती है,
उसमें जीवन की जो गहन अनुभूति है, जो स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस है, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता ग्रामीण बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण शब्दावली में नहीं होती उसकी, वह उनको अभिव्यक्त कर सके। तो इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह उपयुक्त है कि वर्ड्सवर्थ ग्रामीण भाषा के प्रति दुराग्रही नहीं थे। उनका कथन यह था कि कवि को यथासंभव ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वर्ड्सवर्थ बिल्कुल यही नहीं बोलते कि आप कविता में पूरी तरह से आप ग्रामीण भाषा का ही प्रयोग करो। उनका कहना था कि जहां तक संभव हो कविता में ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा है। और दूसरा क्या है, वर्ड्सवर्थ उस भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं जो मनुष्यों की वास्तविक भाषा है, अर्थात वे कृत्रिमता से बचने की बात करते हैं। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना यह है कि आम लोग जो अपने साधारण जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मनुष्यों की वास्तविक भाषा है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, जो सहज और सरल और साधारण है, उसी भाषा का हमको प्रयोग करना है, हमको कृत्रिमता से बचना चाहिए। किंतु कॉलरिज का कहना क्या है, कॉलरिज का मत है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना, शिक्षा के स्तर आदि के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः काव्य भाषा में स्वाभाविक भाषा का प्रयोग न होकर उस भाषा का प्रयोग होता है जो संस्कार रूप में कवि के मन पर अपना प्रभाव डाले रहती है। तो कॉलरिज का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, कि वह जिस परिवेश में उसने जन्म लिया है वहां लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कि वह चीजों को कितनी गहनता के साथ ग्रहण करता है, उसकी संवेदना कितनी तीव्र है। तो इस कारण प्रत्येक कवि की जो भाषा होती है वह अलग अलग होती है। इसीलिए जब कोई कवि कविता लिखता है तो उसकी कविता में जिस भाषा, जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वह उसके ज्ञान, उसके परिवेश, उसके माता पिता, उसके संस्कार, उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी निर्भर करता है। इसीलिए काव्य भाषा में जब कोई कवि जब कविता लिखता है तो उसकी काव्य भाषा कैसी होगी, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसके परिवेश, है ना, उसके बहुत सारी चीजें उसे प्रभावित करती है। इसीलिए कवि के मन में जो भाषा संस्कार रूप में पहले से विद्यमान है वह उन्हीं भाषा का प्रयोग करता है। बहुत पढ़ा लिखा होगा तो वैसे ही कठिन शब्दों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करेगा, क्योंकि वह शब्द उसके लिए कठिन नहीं है। आम आदमी के लिए वह शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से उसका प्रयोग करता है, कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से उसका प्रयोग नहीं करता। कॉलरिज का यह मानना है। वर्ड्सवर्थ का यह भी कहना था कि ग्रामीण भाषा के दोषों को दूर करके उसमें से उन शब्दों को निकाल देना चाहिए जो अरुचि और जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न करने वाले। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो ग्रामीण जीवन में जो अश्लील जैसे शब्द हैं, जो अरुचि उत्पन्न करते हैं, बेकार टाइप के शब्द हैं, घृणा उत्पन्न करते हैं, जुगुप्सा उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए, उसके बाद अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस संबंध में कॉलरिज का क्या कहना है कि जब ग्रामीण भाषा को दोषों से मुक्त करके परिष्कृत कर लिया गया तो वह ग्रामीण भाषा कहाँ रहती है। कॉलरिज का यह मानना है कि ठीक है, आपने ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा, और यहाँ पर आप यह बोलते हैं कि ग्रामीण भाषा के जो अरुचिपूर्ण शब्द हैं, अश्लील शब्द हैं, घृणा उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, उनको हटा देते हैं। तो जब ऐसे शब्दों को हमने हटा दिया तब भाषा तो अपने आप में परिष्कृत हो गई, परिमार्जित हो गई, शुद्ध हो गई, तो यह भाषा ग्रामीण भाषा कहाँ से रही। तो इस संबंध में यही कहना उचित है कि वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण भाषा का समर्थन करते हुए कवियों का रुझान ग्रामीण भाषा की ओर करने का प्रयास किया। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ का यह कहना था कि ठीक है, आप बहुत जटिल और कृत्रिम बनावटी शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि ग्रामीण भाषा के जो शब्द हैं, ग्रामीण बोलचाल के जो शब्द हैं, जो सहज सरल साधारण है, उनका प्रयोग करें। मतलब वे कवियों का रुझान ग्राम्य जीवन और ग्रामीण भाषा की ओर करने का प्रयास कर रहे थे। कॉलरिज यह भी मानते हैं कि भावों के प्रबल भाव आवेग की दशा में या तीव्र अनुभूति की दशा में वे ही शब्द कवि को सूझते हैं जो पहले से मन में विद्यमान हो और साधारण उत्तेजना से वे उत्पन्न हो जाते हैं। तो कॉलरिज का क्या मानना है कि जब कवि के मन में तीव्र भावावेग उत्पन्न होता है, स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं, और वह कविता लिखने के लिए तैयार होता है, कविता लिखना शुरू करता है, तो वह किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। जो शब्द उसके मन में आते जाते हैं वह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगता है काव्य भाषा के रूप में। और ये शब्द कैसे आते हैं, जो पहले से उसके मन में संस्कार रूप में विद्यमान है, जिसे उन्होंने पहले पढ़ा है, उसका परिवेश क्या है, उसके माता पिता कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह कितनी अच्छी शिक्षा उसने ग्रहण की है, कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, तो उसके मन में जो शब्द हैं वह स्वाभाविक रूप से बाहर आने लगते हैं। तो उस पर ध्यान नहीं देता कि वह क्या लिख रहा है, क्योंकि भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, तो वह शब्दों का चयन जो उसके मन में पहले से विद्यमान है उन्हीं शब्दों को उठा लेता है।
वर्ड्सवर्थ का कहना है कि काव्य में प्रयुक्त शब्द अलौकिक नहीं होते, वे बोलचाल की भाषा से ही गृहित होते हैं, लेकिन इस अवस्था में प्रयुक्त होने पर वह अधिक भावव्यंजक स्पष्ट भाव प्रकट करने वाले हो जाते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का यह मानना है कि जो काव्य में जो भाषा प्रयुक्त होती है वह अलौकिक नहीं होती है, कोई दूसरी दुनिया की भाषा नहीं होती, सुपरनेचुरल भाषा नहीं होती, बल्कि वह हमारी साधारण जिंदगी में आम बोलचाल में प्रचलित भाषा ही होती है। इसलिए यह जो साधारण भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, वह हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने में अधिक सफल होती है और यह इसी में इसकी सार्थकता है। अब पांचवा क्या है, कॉलरिज ने गद्य और पद्य की भाषा की एकरूपता का भी विरोध किया। इसका तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि गद्य और पद्य की भाषा एक कैसी हो सकती है। उनके अनुसार कोई शब्द या शब्द क्रम केवल गद्य के लिए होता है तो कोई पद्य के लिए, इसलिए गद्य और पद्य की भाषा में अभेद स्वीकार्य नहीं है। जैसे बहुत सारे आलोचकों ने इस बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ का विरोध किया था कि गद्य और पद्य की भाषा एक कैसी हो सकती है, क्योंकि कुछ शब्द या शब्द क्रम या पद ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ काव्य में प्रयुक्त कर सकते हैं, इसीलिए गद्य और पद्य की भाषा हमेशा से अलग रही है और आगे भी अलग रहेगी। इसलिए गद्य और पद्य की भाषा में हमेशा भिन्नता रहेगी, उनमें अभेद स्वीकार्य नहीं है, यह उनका मानना था। अब ये निष्कर्ष हमको लिखना बहुत ही जरूरी है परीक्षा में। कोई छात्र पूछते भी हैं कि सर क्या हम लिखें निष्कर्ष में, निष्कर्ष में यह लिखा जाता है कि आपने ऊपर जो भी जिन भी बातों का आपने उल्लेख किया है उनको यहाँ पर संक्षेप रूप में प्रस्तुत करना होता है, उसका सार लिखना होता है, समरी। इस प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में तीन प्रमुख मान्यताएं प्रतिपादित की। फाइनली तीन प्रमुख मान्यताएं, इसको हम समराइज कर रहे हैं, सारांश रूप में लिख रहे हैं। पहला क्या है, कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कवियों को यह सलाह दी कि उन्हें यथासंभव जन सामान्य की भाषा को अपना लेना चाहिए, सहज सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना, बोलचाल की भाषा का कविता में प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, उनकी मान्यता थी गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता है, कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है, यह उनकी मान्यता थी। ये तीनों बातें आपको लिखनी है, तीन महत्वपूर्ण उनके बिंदु हैं। तीसरा, प्राचीन कवियों के उद्गारों में सहजता थी, इसी कारण भाषा सरल थी एवं उसमें आडंबर एवं बनावटीपन नहीं था। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनकी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो इनकी कविताएं क्या थी, सहज और सरल थी, आडंबर से मुक्त थी। तो वैसे ही होमर है, वर्जिल है, जैसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, तो उनकी भाषा क्या है, उनकी कवियों के उद्गारों में उन्होंने जो कविता में जो भाव व्यक्त किए हैं उसमें क्या थी, सहजता थी, सरलता थी, उनकी भाषा बहुत ही सरल थी जो आडंबर एवं बनावटीपन नहीं थी, इसीलिए वह कविता हमें आज भी प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि के हृदय में यदि भाव का उन्मेष मतलब भाव का प्रकट होना और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही उसके अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। मतलब कविता, कवि के हृदय में जो भावना उत्पन्न हुई है और उस भावना और कविता की जो विषय वस्तु है, मतलब ठीक है, उसके मन में फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, उस आधार पर वह विषय वस्तु का चयन करता है और उन दोनों में जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, विषय वस्तु और कविता की भाव, कवि की भावना में जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, हारमोनी स्थापित हो जाती है, तो क्या होता है, उसके अनुरूप भाषा स्वयं ही आकार ग्रहण कर लेती है, उसे के अनुरूप भाषा का प्रयोग कवि स्वाभाविक रूप से करने लगता है। उनकी यह धारणा थी कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक या अकाव्यात्मक नहीं होते हैं, भाषा प्रयोग के आधार पर वे अपना स्वरूप अर्जित कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का यह कहना था कि कोई भी शब्द न केवल कविता के लिए ही रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, न ही कोई शब्द गद्य या पद्य के लिए कोई भी शब्द आरक्षित नहीं होता। यदि आप उसे कविता में प्रयोग करेंगे तो कविता के अनुसार अपना रूप ग्रहण कर लेता है, यदि आप उसे गद्य में प्रयोग करेंगे तो गद्य के अनुसार अपना रूप ग्रहण कर लेता है। तो मतलब चाहे हम गद्य में प्रयोग करें या पद्य में प्रयोग करें, भाषा उसी के अनुरूप अपना स्वरूप अर्जित कर लेती है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर, ऊपर हमने जो भी डिस्कस किया उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचार निश्चित रूप से मौलिक एवं नवीन है। उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वह पूरी तरह से उनके मौलिक हैं, निजी विचार हैं और ये नवीन विचार हैं, जो कि नियो क्लासिसिज्म, नव अभिजात्यवाद से पूरी तरह अलग है। वस्तुतः वह काव्य में आडंबरपूर्ण भाषा के विरोधी थे और सहज सरल ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे, जो अकृत्रिम मतलब बनावटीपन से मुक्त एवं प्रकृत मतलब सहज और साधारण होती है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में कल्पना शक्ति पर विशेष बल दिया और काव्य में भाव तत्व को प्रतिष्ठित किया। जो इमेजिनेशन होता है, कल्पना,
उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया और भाव तत्व को प्रतिष्ठित किया, मतलब जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, क्योंकि इनका कहना है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब कविता क्या है, प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। तो भावनाओं को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि एक महाकवि की अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट, चीजों को देखने का तरीका, मतलब मन की बात समझने की शक्ति, ज्ञान चक्षु या प्रज्ञा, यह होता है अंतर्दृष्टि का मीनिंग, कि एक महाकवि की अंतर्दृष्टि वर्ड्सवर्थ के विचारों में विद्यमान थी, मतलब महान कवि थे, भले ही उनके विचारों का पर्याप्त विरोध कॉलेज एवं अन्य आलोचकों ने किया है, मतलब भले ही उनके विचारों का विरोध न्यू क्लासिसिज्म नव अभिजातवादियों ने किया, अन्य आलोचकों ने किया, उनके मित्र जो उनके साथी थे जिन्होंने साथ में उनकी कविता लिखी थी लिरिकल बैलेट्स कॉलेज, उन्होंने भी इनके विचारों का, काव्य भाषा संबंधी विचारों का विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो भाषा है वह पूरी तरह से नवीन है, मौलिक है, और उसने बाद में जो कविताएं लिखी गई और बाद में जो भी आंदोलन आए उसको उन्होंने बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है। तो इस प्रकार आप लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा को समझ लिया होगा। मेरे इस लेक्चर का जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में दे दिया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मेरा आज का यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।